नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। जैसा कि आपको पता है कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गोगो दीदी योजना का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फटाफट से इसका फॉर्म को भर सकते हैं। इसका फॉर्म भी आ चुका है जो कि यहीं पर आपको स्क्रीन पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको गोगो दीदी योजना का फॉर्म भी दिख रहा होगा। ये फॉर्म झारखंड के सभी बूथ में भेजा दिया गया है। आपके बूथ के जो भी भाजपा के कार्यकर्ता उनके माध्यम से आप फॉर्म को ले सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरें, आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि फॉर्म को भरें कैसे, क्या क्या कागजात लगेगा, संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और बड़ी क्वेश्चन आपका होगा कि पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है जो कि हमारे वीडियोज में आप लोग कॉमेंट के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पहले बता दूं कि इस योजना का फॉर्म आप सबसे पहले भर रहे हैं, भरने के बाद आपको पैसे कब मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट है, जो बड़ी घोषणा है बीजेपी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड के सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। ये तो आप जान चुके हैं, अच्छी तरह से आपको पता है, इसकी घोषणा भी हो चुका है और कल ही सभी पंचायत में इसका फॉर्म भी आ चुका है। तो फॉर्म फटाफट से ले लीजिए और जल्द से जल्द भर दीजिए। यहां पे देख सकते हैं आपको एक और प्रश्न होगा कि फॉर्म खत्म हो गया। कुछ दीदी का कमेंट आ रहा था कि फॉर्म खत्म हो चुका है, फॉर्म नहीं मिला, तो फॉर्म कैसे मिलेगा, फॉर्म नहीं मिल रहा है तो कैसे भरें। तो इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने वाले हैं। साथ में आपको फॉर्म को भर के भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, फॉर्म नहीं मिला तो कहां से मिलेंगे, और फॉर्म खत्म हो गया तो अब आपके पास क्या उपाय है। योजना के अंतर्गत लाभ किनको मिलेगा, कौन कौन इस योजना का फॉर्म को भर सकते हैं, और उम्र सीमा इसका क्या रखा गया है, क्या क्या कागजात लगेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सारे प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। पहला प्रश्न आपको यहां पे दिख रहा है कि फॉर्म कैसे भरें, इसका आंसर हम लोग जानते हैं, यानी फॉर्म को लाइव भरने का प्रोसेस सबसे पहले हम लोग जानते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपको मिलेंगे कैसे, कहां पे मिलेंगे। तो फॉर्म आपके पंचायत में आपके पंचायत के बूथ के जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है उनके पास भेजा दिया गया है। तो आप पता कीजिए कि आपके पंचायत में आपके गांव के कौन है भाजपा के कार्यकर्ता जिनके पास ये फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को ले लीजिए। फॉर्म को कल ही भेजा दिया गया है भाजपा के द्वारा और फॉर्म उनके पास आ चुका है, फटाफट से लीजिए। यही वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऊपर में यहां पे आपको देखने को मिल रहा है गोगो दीदी योजना, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा आपका उस फॉर्म में, जिसमें नीचे आपको देखने को मिलेगा हर महीने 11 तारीख को 2100 सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि हर महीने आपके बैंक खाता में 2100 रुपये इस योजना के अंतर्गत भेजा जाएगा। जैसा कि आपको यहां ऊपर में ही दिख रहा होगा 2100 रुपये इसमें दिया जाएगा, महिला के खाता में दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं फॉर्म को भरने का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है। पंजीकरण फॉर्म यहां पे लिखा हुआ होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अभी जमा नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स कब लगेगा ये भी हम लोग जानेंगे, इससे पहले फॉर्म को भरने का प्रोसेस जान लेते हैं। फॉर्म भरना बिल्कुल सिंपल है, बिना डॉक्यूमेंट्स का, केवल अपना नाम यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं आविदिका का नाम, जो भी नाम है आविदिका का, मान के चलते हैं कि गीता कुमारी नाम है आविदिका का, तो मैं यहाँ पे भर दिया गीता कुमारी। उसके बाद इससे ऊपर में यहाँ पे दिनांक भरना होगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि ये फॉर्म आप आज भर रहे हैं, तो आज का दिनांक है यहाँ पे 6, मैंने 6 भर दिया, 6/10/2024, इस तरह से आपको फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पिता या पति का नाम, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि पिता का नाम होगा कि पति का नाम होगा, शादीशुदा है तो यहाँ पे पति का नाम होगा, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम होगा। उम्र कितना होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत, उम्र कितना होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, महिला का उम्र होना चाहिए 18 वर्ष कम से कम। यदि आपका 18 वर्ष हो चुका है तो इस फॉर्म को आप 100% भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस योजना का फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी महिलाओं के लिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सभी महिलाओं के लिए। वैसे तो उम्र का कोई खास जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन एक पेपर में दिया हुआ है कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जो कि मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ। आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिता या पति का नाम जो भी है, शादीशुदा है तो पति का नाम दे दीजिए। जैसा कि मैं यहां पे इनका पति का नाम देता हूं, राजेंद्र कुमार, मैंने इनका पति का नाम लिख दिया। आगे यहां पे मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी है आपका मोबाइल नंबर आप लिख देंगे जो भी है। उसके बाद आपको अपना पंचायत का नाम लिखना है, आप किस पंचायत से हैं। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पे मैं यहाँ पे सरिया लिख देता हूँ, आप जिस भी पंचायत से वो लिख देंगे। ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं सरियाहाट ब्लॉक से हूँ, मैंने यहाँ पे सरियाहाट आपको केवल दिखाने के लिए लिख दिया। यहाँ पे आपको
जिला लिख देना है आपके जिला का नाम, जिस भी जिला से आप हैं जिला का नाम, परिवार में आपके परिवार में कितने महिला हैं, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। आपके परिवार में चार महिला पांच महिला जितना है एक ही फॉर्म भरा जाएगा। दो महिला है दो लिख देंगे, एक है तो एक लिख देंगे, जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे दोबारा से अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम यहाँ पे आप दोबारा से लिख देंगे और ये आपका फॉर्म भर के तैयार हो गया। इतना ही भरना है और कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको इस जगह फाड़ के और इतना नीचे वाला भाग आपको दे दिया जाएगा, यही आपका रिसीविंग है। नीचे वाला भाग आपको मिल जाएगा जो आपका रिसीविंग है, और ऊपर वाला भाग जो है ना यहाँ से ये ऊपर वाला भाग वो लोग रख लेंगे, ये वाला भाग वो लोग रख लेंगे। और आपको इस योजना का लाभ कब मिलेगा अब ये हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको फॉर्म नहीं मिला, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्नों को मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने जाना। दूसरा प्रश्न आपके पास यहाँ पे है कि कितना महीना मिलेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2100 रुपये प्रति महीना मिलेगा। कब मिलेगा इस योजना का पैसे, 2100 रुपये कब मिलेगा, जब भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं बनती है तो नहीं मिलेगा भाई, मैं पहले कर दूं, क्योंकि इनके ही द्वारा बताया गया कि सरकार बनने के बाद ही आपको इस योजना का पैसे मिलेंगे, 18 वर्ष की आयु में मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पैसा कैसे दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। कैसे दिया जाएगा, आपको बैंक खाता में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, भाजपा की सरकार बनेगी तब दिया जाएगा, नहीं बनेगी तो नहीं दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि फॉर्म खत्म, अब क्या होगा आपके लिए उपाय। फॉर्म खत्म हो गया, फॉर्म है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में अब आप क्या कीजिएगा, फॉर्म मिलेगा कहाँ से, तो इंतजार कीजिए। यदि आपके बूथ में आपकी भाजपा के कार्यकर्ता के पास फॉर्म खत्म हो गया है, फॉर्म नहीं है, तो उनको सूचना दीजिए कि आप बाकी रह गए फॉर्म को भरने के लिए, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। यदि फॉर्म आती है तो फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं आती है तो इंतजार कीजिए, जब फॉर्म आएगा तब भरिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो इस योजना को गारंटी के तौर पर लाया गया है, भाजपा चुनावी माहौल को देखते हुए लाए हैं, विधानसभा सामने चुनाव है उसी को देखते हुए लाए हैं। भाजपा की सरकार बन जाती है तो उसके बाद जो बचे हुए लाभुक हैं, उम्मीद है दोबारा से आप सभी से सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं लिया जा रहा आपसे, केवल आपका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, केवल एक कंटिंग किया जा रहा है कि कितने महिला हैं इस योजना को लाभ लेने के लिए कितना तैयार है। बस मेरे ख्याल से इतना ही डॉक्यूमेंट्स इसमें, इतना ही डिटेल्स इसमें जा रहा है। इसके आगे जो बैंक खाता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स तो ले ही नहीं रहे, तो वो से आपसे लिया जाएगा और उस समय नया आवेदन भी लिया जाएगा यदि योजना लागू हो जाती है तब। आगे देख सकते हैं नहीं मिला कैसे भरे, यदि फॉर्म आपको नहीं मिला तो आपको इंतजार करना है कैसे भरे। मैंने आपको बताया कि यदि फॉर्म मिल जाती है तो आपको कैसे भरना है। एक इंपॉर्टेंट बात है आपको मैं दिखा दूं यहां पे, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इस योजना का पैसे कब मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं भाजपा के द्वारा जो 5 योजना की घोषणा किया गया है, यहां पे आपको 5 योजना का नाम दिख रहा होगा। विशेष इंफॉर्मेशन के लिए आज का सुबह वाला वीडियो को देख लीजिए, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन को मैंने दिया हुआ, 5 योजना के बारे में विस्तार से बताया, कैसे फॉर्म भरेंगे, कब योजना का लाभ मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज का वीडियो, आज सुबह का वीडियो में मैंने दिया हुआ। जैसे कि देख सकते हैं युवा साथी भत्ता योजना, गोगो दीदी योजना, घर साकार योजना। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा को 2000 प्रतिमाह मिलेगा, इसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा प्रति महीने। इसमें घर साकार योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, और ये लक्ष्मी जोहर योजना के अंतर्गत साल में 2 बार आपको फ्री में एलपीजी गैस मिलेगा, और उससे ज्यादा आप गैस लेते हैं तो आपको 500 रुपया करके आपको देना पड़ेगा। अगला है सुनिश्चित रोजगार, आपके लिए वैकेंसी लाया जाएगा और रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा, यही है इनके लिए जो घोषणा किया गया है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको इस पेपर कटिंग में आपको दिखाना चाहता हूं, वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि योजना का लाभ आपको कब मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर, भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना की शुरुआत किया जाएगा, और बाकी जो घोषणा किया गया है सरकार बनेंगे तो योजना का लाभ मिलेगा, नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे। बाकी डिसीजन अब आपको लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर्म को फटाफट से भर दीजिए यदि आप भरना चाहते हैं तो। इस योजना से संबंधित फॉर्म को भरने में कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कोई और प्रश्न है आपके पास, तो हमारे साथ कॉमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।